बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 16 स्पोर्ट एंड मूवमेंट के अंदर मूवमेंट इन प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। मूवमेंट्स इन प्लांट्स, सही। सो सबसे पहले तो मूवमेंट यानी हरकत करते क्यों है भला, वाई क्यों हम मूव करते हैं। जाहिर बात है लाइक कोई इंडिविजुअल है, सही, ही सिटिंग समवेयर, सो ही गेट्स कि यानी कोई एक और मसलन एक बंदा है, ठीक है। सो उसे कोई कहता है हे टीचर इज इन क्लासरूम, और फिर कहता है व्हाट आर यू डूइंग आउटसाइड, व्हाट आर यू डूइंग आउटसाइड, यानी वो कहना चाह रहा है कि टीचर क्लास में और तुम बाहर क्या कर रहे हो, ठीक है, टीचर क्लास में है और तुम बाहर क्या कर रहे हो। सो ये जो सारा फिक्रा है, ठीक है, सेंटेंस है, इट विल एक्ट लाइक स्टिमुलाई, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, स्टिमुलाई। और ये जो स्टूडेंट है के पास स्टिमुलाई आएगी, इसके रिजल्ट के अंदर ये क्या करेगा, इट विल रन टूवर्ड्स क्लास रूम, ये कहेगा ओ शिट आई एम गोइंग नाउ, ठीक है, कहेगा कि मैं अभी जा रहा हूँ, और फिर ये क्लासरूम की तरफ चला जाएगा, सही। सो ये जो चीज थी, ये स्टिमुलाई थी, स्टिमुलाई, ये बीच में इंडिविजुअल है, और फिर ये इसका रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स में क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, यानी ये क्लास की तरफ जाएगा, सो इट इज अ मूवमेंट। सो जो इंडिविजुअल होता है वो किसी ना किसी स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स के अंदर मूवमेंट करता है, सही। सो ये सिंपल सी एग्जाम्पल थी। बट अगर कोई प्लांट है, प्लांट्स, सो प्लांट्स तो मूव नहीं कर सकते, सही, तो वो क्या करेंगे। अब हमने इसी चैप्टर इस लेक्चर के अंदर हमने ये देखना है कि अगर स्टिमुलाई प्लांट्स के पास आती है सो वो क्या करेंगे। जाहिर बात दे कैन नॉट मूव, दे डू नॉट मूव, फिर क्या कर सकते हैं, दे चेंज देयर बॉडी पैटर्न्स, ठीक है, ये अपने बॉडी पैटर्न्स को चेंज करेंगे, ठीक है, इनके बॉडी पैटर्न के अंदर चेंजेस आएंगे। सो आज हम उसी बॉडी पैटर्न में जो चेंज होगी उसके बारे में बात करेंगे। सो मूवमेंट का तो आपको अंदाजा होगा, यानी कोई ना कोई स्टिमुलाई होती है, ठीक है, जो किसी इंडिविजुअल को रिसीव होगी, उसके अगेंस्ट में इंडिविजुअल आगे रिस्पॉन्स जनरेट करता है जिसमें मूवमेंट आ सकती है, सही। और मूवमेंट से मुराद क्या कि अपनी लोकेशन चेंज करना या अपनी पोजिशन चेंज करना, सही। मूवमेंट स्टैंड फॉर, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, चेंज इन लोकेशन और पोजीशन, ठीक है, कि बेशक पोजीशन चेंज करो या आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, सो दोनों लोकेशन चेंज करो। सो जो चेंज इन लोकेशन है ना, इट कैंट बी पॉसिबल फॉर द केस ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट्स जो है वो अपनी लोकेशन में चेंज नहीं कर सकते, तो वो फिर अपनी पोजीशन में चेंज करेंगे, ठीक है, वो अपनी पोजीशन में चेंज करेंगे। सो आज हम इस लेक्चर के अंदर हम इसी के डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हम मूवमेंट इन प्लांट्स में बात करते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट, टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स के, मूवमेंट्स की टाइप्स कितनी है। सो प्लांट्स के अंदर बेसिकली टू टाइप्स हैं, एक ऑटोनॉमिक होता है, वन इज ऑटोनॉमिक, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, ऑटोनॉमिक मूवमेंट, सही, और दूसरा है पैराटोनिक मूवमेंट, सेकंड वन इज पैराटोनिक मूवमेंट, सही, सेकंड, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। सो आज हमारा जो टारगेट है इज ऑटोनॉमिक मूवमेंट। सो क्या होता है ऑटोनॉमिक मूवमेंट, चलिए इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक प्लांट बॉडी बनाता हूँ, लाइक हियर इज अ प्लांट, ठीक है, ये दो उसकी आंखें हैं, सही। सो ये इसकी ब्रांचेस like this, they are going outside, ठीक। सो एक तो चीज होती है कि बाहर से स्टिमुलाई आए, स्टिमुलाई कम्स फ्रॉम आउटसाइड, और फिर उसको चेंज करें, एक इसके अंदर अपनी स्टिमुलाई जनरेट हो जाए, ठीक है, इसके अंदर कह लें कि गुब्बारे से उठने लग जाए, ये इसकी स्टिमुलाई है, सही, जो इसकी अपनी स्टिमुलाई है, सही। तो जो इसकी इंटरनल चेंज होगी ना, जिसकी वजह से ये रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, ठीक है, जो इसका इंटरनल चेंज होगी, या कह रहे हैं जो इंटरनल स्टिमुलाई, सॉरी इंटरनल स्टिमुलाई,
ठीक है, कि अगर अपने ही अंदर उसे कुछ चीज फील हो, ठीक है, ही इज फीलिंग समथिंग इनसाइड, सो उसके रिस्पांस जो में जो मूवमेंट जनरेट करेगा उसे हम ऑटोनॉमिक मूवमेंट कहेंगे, ठीक है। सो इसमें क्या चीज आएगी, मेन चीज है इंटरनल फीलिंग्स हैं, या इंटरनल काज भी कह सकते हैं आप, ठीक है, कि बाहर की वजह नहीं होती बल्कि अंदर की वजह होती है, सही। इंटरनल काज यानी मूवमेंट इन रिस्पांस टू इंटरनल काज, सही। इस तरह जो पैराटोनिक मूवमेंट होती है इसके अंदर एक्सटर्नल काज आ जाते हैं, कि कोई बाहर की वजह बनती है जिसकी वजह से एक्सटर्नल काज, ठीक है, कि बाहर का कोई चीज यानी वो कोई फैक्टर बाहर का होता है, ठीक है। इसके अंदर इंटरनल फैक्टर होता है जिसकी वजह से मूवमेंट हो रही होती है, इसके अंदर एक्सटर्नल फैक्टर होगा। सो ये मेन दोनों को डिफरेंशिएट करने वाली चीज है। सो ऑटोनॉमिक मूवमेंट में क्या होता है कि इंटरनल काज यानी प्लांट बॉडी अंदर से फील करती है देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग, सो उसके रिजल्ट के अंदर वो मूवमेंट फेस करती है, जबकि अगर स्टिमुलाई बाहर से आए सो वो पैराटोनिक मूवमेंट यानी साइकिन कंडीशन के अंदर चली जाएगी, वो हम कल स्टडी करेंगे, ठीक है। सो अब हम ऑटोनॉमिक मूवमेंट को लेके चलते हैं आगे। सो एनाटॉमिक मूवमेंट की फर्दर तीन टाइप्स हैं, ठीक है, यानी एनाटॉमिक मूवमेंट इसकी कितनी टाइप्स हो जाएंगी, तीन। सबसे पहले हो जाएगी टैक्टिक मूवमेंट्स, टैक्टिक मूवमेंट्स, देन इसमें टर्गर मूवमेंट्स आ जाएंगे, एंड थर्ड वन जो है वो इसके अंदर ग्रोथ मूवमेंट है। सो इन तीनों मूवमेंट्स में एक चीज कॉमन होगी कि जो स्टिमुलाई होगी वो इंटरनल होगी, ठीक है, यानी कोई बाहर से कोई फैक्टर एक्ट नहीं करेगा, बॉडी यानी जो प्लांट बॉडी है वो इट्सेल्फ डिसाइड करेगी कि उसने मूवमेंट करनी है, यानी उसके इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा वो मूवमेंट स्टार्ट करेगी, सही। इसके अंदर कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं होती। सो हम सबसे पहले टैक्टिक मूवमेंट से स्टार्ट करते हैं। सो टैक्टिक मूवमेंट, सो टैक्टिक मूवमेंट क्या होती है, इसकी चले पहले हम एग्जांपल देखेंगे ताकि हमारे लिए आसान हो जाए याद करना, सही। ये नीचे आपको डायग्राम नजर आएगी, लाइक ये वैसे एक बैक्टीरिया है, ठीक है। अब इसमें पूरी बॉडी, ठीक है, होल बैक्टीरिया बॉडी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो रही है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ ऊपर गई, नीचे आई, देन यहाँ फिर अगेन ऊपर जा रही, सो इट्स जस्ट कीप ऑन मूविंग, ठीक है। एक ये केस है कि जब वो सिर्फ मूव कर रहा है। एक केस में क्या है कि कोई ना कोई अट्रैक्टेंट मौजूद है, ठीक है, देयर इज समवन अट्रैक्टिंग, लाइक मैं कहूँगा जी यहाँ पे शुगर, चीनी है, सही, और शुगर के पीछे ये अब बैक्टीरिया जो है यहाँ पे जाएगा, फिर से फील होगा कुछ चीज, वापस आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर सो इट टुवर्ड्स अट्रैक्टेंट जा रहा है, सही। सो टैक्टिक मूवमेंट इज ऑल अबाउट दिस, यानी कि पूरा जो सा इंडिविजुअल है वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जाएगा किसी ना किसी कह लेंगे इंटरनल इन्फ्लुएंस की वजह से। यहाँ पे अट्रैक्टेंट वैसे एक्सटर्नल है, ठीक है, इट इज एक्सटर्नल, लेकिन आप कह लेंगे इसमें जो सा वो इंटरनल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, अट्रैक्टेंट कोई ना कोई इंटरनली प्रेजेंट होता है। चले इंटरनल की एग्जांपल देने के लिए ना मैं आपको मसलन इसे शुगर नहीं करते, बल्कि हम इसे कहते हैं कि दिस वन इज स्पर्म, ठीक है, और इसका जो कह लेंगे स्पर्म ऑफ लिवर वॉर्ट्स, ठीक है, आपने मे बी मोसिस पढ़े हों, ठीक है, कि एंशियंट टाइम के पुराने किस्म के पौधे होते हैं छोटे छोटे, सही, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर स्पर्म्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो स्पर्म्स होते हैं और ये आर्ची गोनिया की तरफ ट्रेवल करते हैं। सो अब ये जॉनसन है ना पूरा एक ही प्लांट बॉडी का पार्ट हो गया, यानी सिंगल प्लांट है, सो वन प्लांट बॉडी। सो स्पर्म जॉनसन है वो कह लें कि टूवर्ड्स आर्ची गोनिया की तरफ ट्रेवल करेंगे, सही, और इसमें कह लें कि केमिकल्स का रोल होता है कि आर्ची गोनिया के पास ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसकी तरफ ये अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अट्रैक्टेड आर्ची गोनिया क्या होंगे, केमिकल्स, और इस वजह से जो हमें मूवमेंट मिलेगी वो कीमोटैक्सिस होगी। इस तरह बाज का फोटोटैक्सिस भी होती है, ठीक है, फोटोटैक्टिक मूवमेंट और कीमोटैक्टिक मूवमेंट, फोटो में लाइट आ जाती है, कीमो में केमिकल्स आ जाते हैं, सही। तो यानी अगर हम टैक्टिक मूवमेंट्स की मजीद टाइप्स करें, टैक्टिक मूवमेंट समझ आ गया है कि क्या होती है, कि मूवमेंट ऑफ होल इंडिविजुअल टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई, ठीक है, कि वो स्टिमुलाई की तरफ, स्टिमुलाई से दूर की तरफ जाएगी, सही। तो टैक्टिक मूवमेंट जो एग्जाम्पल कर देते हैं, एक
कीमोटैक्टिक हो जाएगी। कीमोटैक्टिक अभी हमने एग्जांपल दी मसल स्पर्म्स ऑफ लिवर वर्ट्स जो कि आर्चिगोनिया की तरफ ट्रैवल करते हैं, ठीक है, यानी इन रिस्पॉन्स विद केमिकल्स। यहाँ पे जो काज होगा वो क्या होगा, केमिकल काज, ठीक है, कोई ना कोई केमिकल्स हो जाएंगे जिसके रिस्पॉन्स के ऊपर जो इंडिविजुअल है या ऑर्गेनिज्म है वो ट्रैवल करेगा, सही। इसके बाद जो सेकेंड इसकी पार्ट हो जाएगा, ये सेकेंड टाइप हो जाएगी, दैट इज फोटोटैक्टिक, फोटोटैक्टिक मूवमेंट। इसमें भी पूरा का पूरा इंडिविजुअल जो है वो मूव करेगा, ठीक है। इसकी ज्यादातर एग्जाम्पल जो से हैं यूग्लीना वगैरह, जिसके अंदर कह लें कि छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर ऐसे इंक्लूड होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसे प्लांट्स के अंदर स्टडी कर रहे हैं, सही, क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक हैं तो इसलिए हम उसे प्लांट्स के साथ रिलेट कर सकते हैं। सो यूग्लीना खास तौर पर, अच्छा यहाँ पे जो कह रहे हैं कि आपके पास फैक्टर होगा वो केमिकल काज नहीं होगा बल्कि फोटो, फोटो मीन क्या होता है बोला, लाइट, ठीक है, कि लाइट की एक काज होगा यहाँ पे, यानी रोशनी की तरफ या रोशनी से दूर जो है वो ऑर्गेनिज्म जाएगा, ठीक है, फोटोटैक्टिक। कीमोटैक्टिक क्या एग्जाम्पल क्या थी कि मसलन जो स्पर्म्स हैं लिवर वर्ट्स के, ठीक है, यूग्लीना मैंने बनाया, ये आपको डायग्राम में नजर आ रही है, क्लेमेंट मुनास भी नजर आ रहा है। सो कीमोटैक्टिक की क्या एग्जाम्पल है कि जो स्पर्म्स ऑफ लिवर वर्ट्स हैं, ठीक है, ये आर्चिगोनिया की तरफ ट्रेवल करते हैं, सो कीमोटैक्टिक मूवमेंट है। और फोटोटैक्टिक की क्या एग्जाम्पल है कि जो यूग्लीना है, ठीक है, ये टूवर्ड्स लाइट या अवे फ्रॉम द लाइट ट्रेवल करेगी, ठीक है, मोस्टली ये नेगेटिव जियो फोटोटैक्टिक मूवमेंट देता है, जियो नहीं सॉरी फोटोटैक्टिक, कि लाइट से ज्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट से दूर भागता है, ठीक है, और कम इंटेंसिटी वाली लाइट के अंदर रहता है, एक मीडियम सी इंटेंसिटी होती है जहाँ पे लाइट की। सो इसके अलावा बाज़कत क्या होता है कि एक प्लांट सेल, लाइक मैं यहाँ पे प्लांट सेल बनाता हूँ, ठीक है, ये एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर जो कह लेंगे ग्रीन पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं बोला, क्लोरोप्लास्ट, दिस इज क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, ये आपने सारा स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, साइड पे न्यूक्लियस होता है इस तरह। सो ये जो कह लें कि अगर हम कहें ना कि सनलाइट इस तरह आ रही है, इस रीजन में आ रही है, ठीक है, कि सनलाइट सिर्फ इस रीजन में, वो कैसा पे शेड है, तो खुद ब खुद जो ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेली है प्लांट सेल की, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट खुद ब खुद ट्रैवल करते हैं इस रीजन की तरफ, दे विल स्टार्ट ट्रैवलिंग, इनकी जो मूवमेंट है विद इन सेल, ठीक है, सेल के अंदर ये मूव करेंगे टूवर्ड्स इधर लाइट होगी, सही, क्योंकि वहां पे कह लें कि ज्यादा लाइट है तो वहां पे जाके अच्छी फोटोसिंथेसिस हो सकेगी, सो ये एक फोटोटैक्टिक मूवमेंट हो जाएगी, ठीक है, उसकी एग्जाम्पल में आ सकती है। और हाँ, इस जो सी मूवमेंट है ना जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट कह लेंगे या साइटोप्लाज्मिक जो ऑर्गेनेल्स अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, इसे साइक्लोसिस कहा जाता है, ठीक है, ये चीज भी ध्यान में रखिएगा, साइक्लोसिस। सो साइक्लोसिस से क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट को हेल्प होगी कि वो ज्यादा अच्छी फोटोसिंथेसिस कर सकेगा, कार्बन डाइऑक्साइड इजिली अचीव होगा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो रिक्वायर्ड होती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर उसे इजिली मिलेगा जो जो यानी वो मूव करेगा साइटोप्लाज्म के अंदर। सो इस तरह ये इंटरनल मूवमेंट है सेल के, लेकिन ये इसे हेल्प कर रहा है इसके फोटोसेंसिस के अंदर, ठीक है। सो ये भी एक एग्जाम्पल हो जाएगी टैक्टिक मूवमेंट, यानी इसमें पूरा क्लोरोप्लास्ट मूव हो रहा है तो पूरी ऑर्गेनेली या पूरा इंडिविजुअल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहा है। सो ये एग्जाम्पल्स हो गए सारी टैक्टिक मूवमेंट्स की। सो अब हम पढ़ते हैं अगला पार्ट, जो कि हमने दूसरा पार्ट कौन सा था, टर्गर मूवमेंट्स का, ठीक है, तो हम टर्गर मूवमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। सो नाउ कम्स सेकेंड पार्ट, टर्गर मूवमेंट्स। सो टर्गर का नाम आपने पहले भी सुना होगा, पढ़ा भी होगा, ठीक है, वेरी इजी। किसे कहते हैं टर्गर? टर्गर का बैकग्राउंड दें तो वही चीज है, मैं मसलन वापस जो हमने ये प्लांट सेल बनाया था, ठीक है। सो प्लांट सेल के जो वैक्यूल है, ठीक है, वैक्यूल के अंदर अगर पानी एंटर होना शुरू हो जाए, सो जो वैक्यूल होगा ना, ठीक है, ये अपने साइज में बढ़ता जाएगा, लाइक इट कम्स लाइक दिस, इसका साइज बढ़ेगा, यानी जब प्लांट के वैक्यूल के अंदर वाटर सॉल्ट्स वगैरह एंटर होंगे तो इसका साइज क्या होगा, एक्सपेंड होगा, और जब ये एक्सपेंड होगा अपने सराउंडिंग में क्या करेगा, प्रेशर एग्जर्ट करेगा, ठीक है, और इस प्रेशर को टर्गर प्रेशर कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं,
turgor pressure. यानी plant cells के अंदर large vacuole है जिसकी क्या नहीं जिसके अंदर salt, water वगैरह enter होगा, ठीक है, नहीं H2O enter होगा, ठीक है, NaCl, sodium chloride salts वगैरह enter होंगे. उसके result में क्या होगा, इसका जो vacuole है इसका size बढ़ता जाएगा, ठीक है, और जब ये बढ़ेगा तो अपने surrounding के अंदर pressure exert करेगा और इस pressure को हम turgor pressure कहते हैं. ये सारा फिनोमेना टर्गर के कह रहे हैं कि स्टडीज के अंदर आता है, ठीक है. और ये टर्गर प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसे स्पोर प्रोवाइड करता है और इसे मैंने और भी सेल साइज को मेंटेन करता है. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से कि ये स्पोर प्रोवाइड करता है, यानी प्लांट बॉडी को खड़ा रखता है. सो अब हम देखेंगे टर्गर भी मूवमेंट का बायस बनता है, ठीक है. इसके लिए मैंने एक फिगर रखी हुई है, लाइक ये आपको नजर आ रही होगी, थोड़ी छोटी है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, लाइक दिस. सो एक की जगह पे आप मतलब ये आपको प्लांट नजर आ रहा है, दिस वन प्लांट. सो इसके अंदर अगर आप देखें तो पत्ते खड़े हुए हैं, क्यों, क्योंकि इनके जो सेल्स हैं, ठीक है, इनके जो सेल्स हैं उनको टर्जिड कंडीशन में रखा गया है, यानी इसके अंदर जो सा वैक्यूल फिल हुआ है जिसकी वजह से इसके पत्ते खड़े हैं. जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें सो इसके पत्ते मुरझाए मुरझाए हैं, बैठे हुए हैं, क्यों, क्योंकि इसका जो वैक्यूल था प्लांट सेल का उसके अंदर पानी नहीं है, ठीक है, नहीं कह लें कि फ्लेक्सिड कंडीशन में सुखड़ा हुआ जिसकी वजह से पूरा प्लांट बॉडी कह लें कि मुरझाई हुई है, ठीक. सो अगर हम यही अकड़ाओ कह लें कि ये मसलन आपको स्टेम नजर आ रही है, ठीक है. सो अगर हम यहाँ पे अकड़ डालेंगे, ठीक है, तो ये इसको इस तरह ऊपर की तरफ खड़ा करेगा. अगर यहाँ पे टर्गर ज्यादा होगा तो इसे नीचे की तरफ लेके आएगा, सही. सो यानी टर्गर कह लें कि जो स्टेम की लोकेशन है, स्टेम की जो लोकेशन सॉरी पोजिशन है, ठीक है, पोजिशन में बहुत मैटर करता है, सही. मसलन एग्जाम्पल देता हूँ कि ये स्टेम है, स्टेम के नीचे भी सेल्स हैं, ठीक है, और ऊपर भी सेल्स हैं, सही. और अगर हम क्या करते हैं कि इसके अंदर वैक्यूल्स बड़े बड़े हैं, सही है, और ये टर्जिड है. सो अगर ये टर्जिड होंगे इस तरफ वाले, ठीक है, नीचे वाले सेल्स अगर टर्जिड होंगे, जाहिर बात है जब टर्जिड होंगे तो जो स्टेम है वो फूलेगी, ठीक है, जो नेक्स्ट सेल आएंगे वो इस तरह ऊपर की तरफ जाएंगे. सो इस तरह हमारे पास स्टेम की शेप बनेगी, ठीक है. तो अगर इसी तरह ऊपर से टर्जिड होंगे तो वो फिर नीचे की तरफ बेंड कर जाएगी स्टेम, ठीक है. सो ये टर्जिडिटी जोन है बॉडी सॉरी स्टेम की जो पोजिशन है उसको मेंटेन करने में बहुत हेल्प है. तो दोनों तरफ जो सेल्स हैं वो इक्वली टर्जिड होते हैं ताकि जो शेप है वो मेंटेन रहे, सही. सो इवन जो पेटियोल्स होते हैं, ठीक है, पेटियोल जिसके ऊपर लीफ अटैच होता है, ठीक है, एक पल्विनस है जिसके ऊपर स्टेम पूरी अटैच होगी और पेटियोल्स या जो लीफलेट स्टॉक भी जिसे कहा जाता है उसके ऊपर लीफ अटैच है. ये दोनों टर्गर प्रेशर की ही वजह से कह लेंगे इनकी पोजिशन को मेंटेन करते हैं. मसलन अगर हम देखें इसमें जो लीफ है वो गिरे हुए हैं, क्यों, क्योंकि जो पेटियोल्स हैं वो नॉन टर्जिड कंडीशन में, उनके जो सेल्स हैं वो बगैर टर्गर के हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उसके पत्ते गिर गए हैं. जबकि दूसरी तरफ देखें तो उनकी ब्रांचेस भी और पत्ते भी खड़े हैं क्योंकि इनके जो सेल्स हैं वो टर्जिड कंडीशन में इनके अंदर टर्गर डेवलप हो चुका है, सही. ये चीज यहाँ पे भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है. सो यहाँ पे ये नॉन टर्जिड सेल्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे टर्जिड है, जिस कंडीशन में टर्जिड है और ऊपर नॉन टर्जिड है तो ये फैले हुए, और जिसमें ऊपर टर्जिड आ जाएंगे नीचे नॉन टर्जिड सेल्स आएंगे, ये सुकड़ के नीचे आ जाएंगे, सही. सो यानी टर्गर प्रेशर जो स्टेम की पोजीशन और लीव्स की पोजीशन है इसको मेंटेन करने में बहुत रोल प्ले करता है. ओके, अब हम देखते हैं टर्गर मूवमेंट्स की टाइप्स क्या क्या है, यानी किस तरह टर्गर मूवमेंट्स प्ले करता है रोल. मसलन एक आपको ये चीज नजर आ रही है प्लांट, सही, ये भी वही टर्गर है कि जो इसका प्लम्यूल सॉरी पल्विनस होगा, पल्विनस जहाँ पे कह लें कि आपके जो ब्रांच है वो अटैच होती है, मतलब ये पल्विनस होगा इसका, पल्विनस के अंदर जो से सेल्स होते हैं पैरेन्काइमा के सेल्स वो टर्गर को डील करते हैं, उसकी वजह से जो इसकी कह लेंगे शेप होती है, ठीक है, वो मेंटेन रहती है, यानी जो ब्रांचेज हैं वो वाइड ओपन रहेंगी, ठीक है, नीचे नहीं बैठेंगी. जबकि दूसरी तरफ आपको देखें तो यहाँ पे ब्रांचेज या पत्ते जो से वो नीचे बैठ गए. अच्छा, ये बताने का मकसद ये था कि बेसिकली कि बास प्लांट्स ऐसे होते हैं कि वो डे टाइम में, ठीक है, जब दिन होता है सो अपने पत्ते खड़े रखते हैं, सही, और जब रात आती है लाइक बाहर अंधेरा हो जाए, सही, इस तरह मैं अगर बनाने की कोशिश करूँ, सो बाहर अगर अंधेरा आ जाए सो
उस टाइम ये पत्ते गिरा देते हैं, ठीक है। इस मूवमेंट को हम कहते हैं स्लीप मूवमेंट, दिस मूवमेंट इज नोन एज स्लीप मूवमेंट, के जैसे वो स्लीपिंग में चले गए, सही। सो एक किस्म की स्लो मूवमेंट होती है, रिलेटिवली स्लो होती है, कि जो जो रोशनी कम होगी ऐसा ऐसा इसके पत्ते गिरने लगते हैं, ऐसे बहुत सी जगह पे होते हैं, ठीक है। अब इवन जो पेटल्स होती हैं प्लांट्स की, वो भी अपने पत्ते ओपन और क्लोज करते रहते हैं रोशनी के मुताबिक। सो अगर हम यहाँ पे पल्विनस देखें ना, सो पल्विनस के अंदर जो टर्गर होता है, टर्गर का मेन रोल होता है, ठीक है। यानी अगर ये पल्विनस है, लाइक दिस पल्विनस, सो अगर टर्गर यहाँ पे ज्यादा होगा सो पोजीशन यू इरेक्ट रहेगी, ठीक है, पोजीशन यू इरेक्ट होगी। सो अगर टर्गर यहाँ पे ज्यादा होगा ऊपर वाली साइड पे, ठीक है, सो पोजीशन उसकी नीचे की तरफ आ जाएगी, सही। सो ये जो कंडीशन है, जब टर्गर ऊपर वाली ज्यादा है तो इसे हम स्लीपिंग कंडीशन कहते हैं, ठीक है, स्लीपिंग कंडीशन। और जो मूवमेंट होगी इसे हम स्लीपिंग मूवमेंट कहेंगे। सो पल्विनस के अगर ऊपर वाली साइड पे ज्यादा टर्गर डेवलप हो जाता है, यानी सेल साइज में ज्यादा बड़े हो जाते हैं, सो ये बैंड हो जाएगी। अगर नीचे वाली साइड पे सेल बड़े हो जाते हैं टर्गर, तो जो स्टेम है वो इरेक्ट हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, सही। सो ये इस तरह टर्गर मूवमेंट होती है, यानी स्लो मूवमेंट जिसे हम कह रहे हैं, स्लीप मूवमेंट, असल नाम इसका स्लीप मूवमेंट है, सही। फिर इसकी दूसरी किस्म जो सी है वो रैपिड मूवमेंट है, ठीक है। ये आपने मे बी एक्सपेरिमेंट किया हो कि कुछ ये जो प्लांट है, हम टच मी नॉट का नाम भी देते हैं, सही। सो एक फनी सा नाम है, कि इसकी वजह क्या होती है कि जब इसे हाथ लगाते हैं फौरन इसके लीफलेट्स जो से हैं वो क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, इसके जो पत्ते होते हैं वो एकदम बंद हो जाते हैं, सही। सो एक किस्म का ये रैपिड मूवमेंट में आ जाती है, सो दिस वन इज सेकंड टाइप, इसे हम क्या कहेंगे, रैपिड मूवमेंट। इसमें भी टर्गर का ही रोल होता है, ठीक है, इट इज अगेन इन्वॉल्व टर्गर, ठीक है, जो कि हमारा इसमें कह रहे हैं कि हेडिंग है टर्गर मूवमेंट्स में। सो रैपिड मूवमेंट उसमें भी टर्गर है, लेकिन इसको असिस्ट करने के लिए जो से हैं वो मसलन यहाँ पे तक रखते हैं हम कि ये इस टचमिनार को मिमोसा स्पीशीज भी कहते हैं, ठीक है। ये वेरी सेंसिटिव होते हैं, जो ही इसे बाहर छुआ जाता है, ठीक है, अब ये इसके कह लें कि पत्ते का स्ट्रक्चर है, जो ही हेयर्स पे सेंसेशन आती है फौरन ये पोटाशियम आयंस को सेल्स के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। पोटाशियम आयंस का बहुत रोल होता है, सेल्स के अंदर जाएंगे और एकदम टर्गर डेवलप होगा और लीफ क्लोज हो जाएगा, ठीक है, कि पोटाशियम आयंस की कह लेंगे यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गई, ठीक है, कि पोटाशियम को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जाएगा जो भी कह लेंगे उसके सेल्स हैं, और फिर वो लीफलेट्स को क्लोज कर देंगे, ठीक है। मसलन अगर ऊपर की तरफ क्लोज करना है तो नीचे वाले लोअर सेल्स के अंदर पोटाशियम को इंटरक्वाया जाएगा ताकि वहां पे ज्यादा टर्गर डेवलप हो, अगर नीचे की तरफ बैंड करवाना होता है तो फिर ऊपर वाले सेल्स के ऊपर ज्यादा पोटाशियम इंटर होगा, सही। सो ये आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं इस स्ट्रक्चर से, सिंपल। और फिर कुछ टाइम गुजरता है वापस अपनी शेप पे आ जाते हैं, सही। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कंसेप्ट को जो है वो यूज किया गया है मॉडर्न थर्मो इलेक्ट्रिक सेंसर्स के साथ, के वो हम अपनी फैब्रिक्स के अंदर यानी अपने कपड़ों में इस्तेमाल कर सकें, ठीक है, यानी टच सेंसिटिव फैब्रिक्स, ठीक है। उसका थोड़ा बहुत मॉडल बनाया गया कि विनाइल पॉकेट्स होंगी जिसके नीचे लिक्विड होगा, ठीक है, और जो है इसे कोई छुएगा सो इसमें सेंस प्रोड्यूस होगा, ठीक है, एक किस्म का सेंस जिसे हम यूज कर सकते हैं कि लाइटिंग हो उसके रिस्पॉन्स में, जो भी रिस्पॉन्स हम उसके अंदर डाल सकते हैं, जो भी इफेक्ट हो वो डाल सकते हैं, सही। सो लेकिन ये चले हमें एक जनरल नॉलेज के लिए था, एक्चुअल हमारा कंसेप्ट ये था कि मिमोसा प्लांट या टच मी नॉट में एक्चुअली होता है क्या, कि बेसिकली वहाँ पे पोटाशियम आयंस होते हैं, ठीक है, कि मसलन लीफलेट अगर क्लोज करना है सेल्स हैं, ठीक है, सो अगर लीफलेट क्लोज करना है सो पोटाशियम आयंस जो हैं वो एक्टिवली उन सेल्स की तरफ ट्रांसफर किया जाएगा कि जिनकी स्ट्रेच होने से, जिनके टर्जिट होने से लीफलेट क्लोज हो जाए, सही। सो ये रैपिड मूवमेंट की एग्जाम्पल में आ जाएगा, सही। अब हम स्टडी करते हैं लास्ट टाइप इसकी, दैट इज ग्रोथ मूवमेंट। सो ग्रोथ मूवमेंट वेरी सिंपल, थर्ड वन इज ग्रोथ मूवमेंट। सो नाम से जाहिर है कि इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होगी, ग्रोथ। ग्रोथ किस तरह की, लाइक इट इंक्लूड्स सेल डिवीजन, के सेल डिवाइड होंगे
और उसके वजह से मूवमेंट प्रोड्यूस होगी, हम उसे ग्रोथ मूवमेंट कहेंगे। ठीक है, अब ग्रोथ मूवमेंट की तीन टाइप्स हैं सिंपल सी। पहले अच्छे हम इसकी एग्जांपल से स्टडी करते हैं। मसलन ये एक लीफ है, ठीक है जी, सो इट इज अ लीफ। सो हम इसे स्टडी करते हैं इसकी कट करके, ठीक है, यानी ये ऊपर वाली तह है, नीचे वाली तह है, सही। सो अगर हम देखते हैं कि इस वाली साइड पे सेल ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, कि ऊपर वाली साइड ज्यादा सेल ग्रोथ करने, तो ये खुद ब खुद इस तरह बेंड होने लग जाएगी, ठीक है, यानी कह लें कि जो जिस साइड पे ज्यादा ग्रोथ होगी ना, वो साइड जो सी है वो उस दूसरी तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक है, ये यानी इट इज कह लें ग्रोथ मोर ऑन अपर साइड, ठीक है, कि ऊपर वाली साइड के ऊपर ज्यादा ग्रोथ है तो वो जो सा जो भी स्ट्रक्चर मतलब लीफ है तो वो खुद बहुत नीचे की तरफ बेंड हो जाएगा। लाइक ये सही बना नहीं है, सो इस तरह नीचे की तरफ बेंड हो जाएगा लीफ का स्ट्रक्चर जो सा है, सही। और इस टाइप को हम एपिनेस्टिक कहते हैं, ग्रोथ इज मोर ऑन अपर साइड, इसे हम क्या कह देंगे, एपिनेस्टिक, ठीक। इसी तरह अगर ग्रोथ जो सी है वो नीचे वाली साइड पे ज्यादा हो जाए, इन नीचे वाली साइड पे जो सेल्स हैं वो ज्यादा बनना शुरू हो जाए, सो इसे हम क्या कह देंगे, हाइपोनेस्टी, ठीक है, दिस विल मीन व्हेन ग्रोथ इज मोर ऑन लोअर साइड, ग्रोथ ऑन लोअर साइड कर ले। और वैसे मोर का लफ्ज लाजमी यूज करना है क्योंकि कंपेरेटिवली ये भी ग्रो कर रहा होता है, लेकिन कंपेरेटिवली जो उनसे लोअर साइड है इसकी ग्रोथ ज्यादा होती है सेल्स की ना, सो जब ग्रोथ नीचे वाली ज्यादा होगी सो इसे हम क्या कह देंगे, हाइपोनेस्टी, दिस विल बी नाउन एज हाइपोनेस्टी, ठीक है। सो एक टाइप होगी एपिनेस्टी व्हेन ग्रोथ इज मोर ऑन अपर साइड, ठीक है, मतलब कोई लीफ का स्ट्रक्चर अपर वाली साइड पे ज्यादा ग्रोथ होगी तो लीफ बेंड कर जाएगा। दूसरा टाइप हो जाएगी हाइपोनेस्टी, कि जब नीचे वाली साइड पे ज्यादा ग्रोथ होगी और जो लीफ है वो ऊपर की तरफ बेंड कर जाएगा, इसकी बेंडिंग अपवर्ड है, इसकी बेंडिंग डाउनवर्ड है। जो थर्ड है वो इन दोनों का मिक्सचर है, सही, कि लाइक समटाइम्स ग्रोथ ऊपर की तरफ बेंड करती है, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर, इस तरह ऊपर जाएगी, फिर नीचे, सही। सो जो अब ग्रोथ का पैटर्न है वो डिफरेंट है, यानी चेंज होता रहता है टाइम के साथ साथ, ठीक है, मसलन यहाँ पे इसकी ग्रोथ ज्यादा है, फिर यहाँ पे इसकी ग्रोथ कम हो गई है, फिर इसकी आगे जाके ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, सेल ज्यादा डिवाइड होंगे, फिर कम हो जाएगी, ठीक, और इसके मुकाबले में नीचे अगर देखें तो यहाँ पे ग्रोथ कम होगी इसकी और यहाँ पे ज्यादा, ठीक है, ये डब्बे में असल में सेल्स बना रहा हूँ, ठीक है, ये चीजें बन रही है, मत आप कहीं पता नहीं क्या बना रहे हैं, सो बेसिकली ये सेल्स हैं जो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। अब मतलब यहाँ पे ग्रोथ ज्यादा है ना, ठीक है, ग्रोथ इज मोर, सो यहाँ पे बेंड कर रहा है नीचे की तरफ, यहाँ पे ग्रोथ लेस है, ठीक है, यानी यहाँ पे कुछ सेल्स हैं, यहाँ पे ज्यादा सेल्स हैं, यहाँ पे कम सेल्स हैं, सो यहाँ पे ग्रोथ कम है, सो इसकी वजह से जो सा स्ट्रक्चर दोबारा ऊपर बन रहा है। तो जो बेले होती हैं घरों में, जो बेले लगी होती हैं आपने देखा होगा, ठीक, कि वो इस तरह फैलती हुई, और कभी कभी इस तरह स्पाइरल शेप में भी होती हैं, ठीक है, इस तरह आपने घरों में देखा होगा, मैं बना देता हूँ थोड़े। सो जो बेलों का स्ट्रक्चर होता है वो इसी तरह मूव करते हैं, उनका जो पैटर्न होता है वो हर थोड़े देर बाद कह लें कि थोड़े अरसे बाद चेंज होता रहता है, ठीक है, इस पैटर्न को हम म्यूटेशन कहते हैं, दिस इज ये थर्ड पार्ट होगा इसे हम क्या कहेंगे, म्यूटेशन, सही, कि जब ग्रोथ है वो रैंडम हो, किसी खास पैटर्न में ना हो, सो उसे हम म्यूटेशन कहेंगे। और ये मोस्टली किस में होता है, ये बेलों में, ठीक है, घरों में जो बेलें लगी होती हैं उसके अंदर होता है मोस्टली, इस तरह के जो ग्रोथ होती है इट इज रैंडमली इस तरह फैले हुए होते हैं काफी ज्यादा, ठीक है, अब मैं सारी नहीं बना सकता, इसमें टाइम लग जाएगा, ठीक है। सो अब हम थोड़ा सा रिवाइज कर रहे थे, हमने क्या क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने ग्रोथ से स्टार्ट लिया कि वाई देयर इज ग्रोथ, सो मूवमेंट इन प्लांट्स हमने पढ़ना था, तो हमने कहा जी कि मसलन आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप खड़े हुए हैं,
तो कोई बाहर से आपसे कहता है कि जी टीचर क्लास में है और आप बाहर क्या कर रहे हो, और कोई डांट देता है, आप उसके रिस्पांस में कहोगे ओह शिट आई एम गोइंग नाउ, कि मैं जा रहा हूँ। सो ये अब मूवमेंट आपके स्टिमुलाई के रिस्पांस में। इस तरह प्लांट्स को जब स्टिमुलाई मिलती है, क्या वो मूव करते हैं? नहीं, वो मूव नहीं करते, वो अपने बॉडी पैटर्न शो करते हैं, ठीक है, कि उसकी बॉडी के पार्ट्स मूव कर सकते हैं, बॉडी की पोजिशन चेंज हो सकती है। सो फिर इसी मूवमेंट्स को हमने फर्दर डिटेल में कोशिश की स्टडी करेंगे। तो उसमें दो टाइप्स हमने फाइंड की, एक ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स हैं, एक पैराटोनिक मूवमेंट्स। ऑटोनॉमिक जब प्लांट बॉडी खुद कुछ चाहे कि जी मेरे ये हो जाए, कि मेरी पोजीशन इस तरह की हो जाए, इसे हम इंटरनल काज कहेंगे। इंटरनल काज की वजह से उसमें ऑटोनॉमिक मूवमेंट होगी, अगर काज एक्सटर्नल होगा वो पैराटोनिक। सो आज हमने ऑटोनॉमिक मूवमेंट पढ़ी, जिसके अंदर तीन किस्में थी, टैक्टिक मूवमेंट्स, टर्गर मूवमेंट्स, ग्रोथ मूवमेंट्स। सही, टैक्टिक मूवमेंट्स किसे कहा था? कि पूरा ऑर्गेनिज्म मूव करेगा, ठीक है, कि इसके अंदर होल ऑर्गेनिज्म मूव, ठीक है, इसके अंदर पूरा ऑर्गेनिज्म मूव करेगा। बकाया मूवमेंट्स के अंदर कोई प्लांट बॉडी प्लांट की बॉडी का कोई पार्ट जो है वो मूव करेगा। सही, सो अब एग्जांपल क्या थी, मसलन जो स्पर्म्स ऑफ लिवरवर्ट्स हैं, ये आर्चिगोने की तरफ ट्रेवल करते हैं, ठीक है। स्पर्म्स कहाँ से रिसीव होते हैं बोला? ये मेल से, और आर्चिगोनिया फीमेल कैरेक्टर है। सही, सो मेल के स्पर्म जो है वो फीमेल आर्चिगोनिया की तरफ ट्रेवल करते हैं, इसमें कीमोटैक्सिस इन्वॉल्व होती है बेसिकली, ये हम केमिकल फैक्टर्स की वजह से ट्रेवल करते हैं, कीमोटैक्टिक मूवमेंट कहेंगे। इस तरह सेल्स के अंदर जो है वो क्लोरोप्लास्ट अपनी लोकेशन चेंज करता रहता है साइक्लोसिस के जरिए, ठीक है। अब ये फोटोटैक्टिक है, क्यों? क्योंकि ये सनलाइट के कह लें कि अपनी पोजीशन चेंज करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा सनलाइट रिसीव करे, और इस तरह वो। इसके अलावा ये क्लेमडोमोनास और यूग्लिना भी टोटल ऑर्गेनिज्म जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं फूड की तलाश में, लाइट की तलाश में। सो ये भी टैक्टिक मूवमेंट्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। फिर हमने स्टडी की टर्गर मूवमेंट्स। सो टर्गर क्या था? कि जब प्लांट सेल अपना वैक्यूल फिल अप करेगा, उसके वजह से प्रेशर डेवलप होगा, उसे टर्गर कहेंगे। इस वजह से प्लांट बॉडी को बहुत सपोर्ट मिलती है। सो अगर टर्गर को मेंटेन किया जाए तो प्लांट्स के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो भी मेंटेन रहते हैं। अगर टर्गर लूज हो जाए तो बॉडी पार्ट्स भी लूज हो जाएंगे, जिसे हम मुरझाई हुई कंडीशन या फ्लेक्सिड कंडीशन कहते हैं। सही, टर्गर मूवमेंट्स में दो मूवमेंट्स थी, एक स्लीप मूवमेंट्स था, ठीक है, जिसमें स्लो होता है रिलेटिवली काम, और जैसे इसके अंदर पल्विनस का ज्यादा रोल होता है। पल्विनस का खैर रैपिड मूवमेंट भी रोल है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा एडवांस चीज ये है कि इसके अंदर आयंस ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक, कि एकदम पोटाशियम आयंस जो है वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं सेल्स की तरफ, जिसकी वजह से उनका टर्गर एकदम डेवलप होता है, वो एकदम क्लोज हो जाते हैं। सही, और फिर हमने इसकी थोड़ी एप्लीकेशन पढ़ी कि टच सेंसिटिव फैब्रिक्स के अंदर इसकी एप्लीकेशन आ रही है, फ्यूचर में आप इंशाल्लाह देखेंगे इसको, ठीक है, ये जनरल नॉलेज के लिए था। फिर उसके बाद ग्रोथ मूवमेंट थी, इसमें तीन टाइप्स थी, एपिनेस्टी जिसके अंदर ग्रोथ जो है अपर साइड पे ज्यादा होती है, फिर हाइपोनेस्टी ग्रोथ नीचे वाली साइड पे ज्यादा होगी, और फिर न्यूटेशन जिसके अंदर ग्रोथ रैंडमली होती है। फिर हमने हर एक एग्जाम्पल स्टडी की। सो ये तो था हमारा सारा का सारा ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स के बारे में, कल हम पैराटोनिक मूवमेंट्स को कवर करेंगे।